हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज अतीक। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एसेट का बताया कि परफॉर्मेंस मैक्स के अंदर जो कैंपेन गूगल ने न्यू लॉन्च की है परफॉर्मेंस मैक्स की, उसके अंदर एसेट क्या काम कर रहा होता है, एसेट में कौन कौन सी चीजें होती हैं। मैंने आपको बताया कि कैंपेन किन आर्टवर्क्स पे चलानी है, कौन सी हेडलाइन यूज करनी है, कौन सी वीडियो यूज करनी है, कौन सा ब्रांड नेम यूज करना है, कौन सा लोगो यूज करना है, कौन से साइट लिंक यूज करने हैं, किस ऑडियंस को दिखानी है, ये सारी चीजें एसेट के अंदर आनी है। अब कौन सी प्रोडक्ट्स दिखानी है, ये किस चीज के अंदर आएगी, इसको गूगल ने ऐड किया है लिस्टिंग ग्रुप के अंदर, कि हम अपने प्रोडक्ट्स के सेगमेंट सेलेक्ट करके हम अपनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने इधर एसर की प्रोडक्ट्स सेलेक्ट की, मैं चाहता हूं कि मैं इसको अगेन एडिट करके मुझे एसर की नहीं, मुझे कोई और ब्रांड की प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये मैंने इसको ब्रांड वाइज सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको आइटम आईडी वाइज डाटा फेच कर सकते हैं, ये मुझे सारा आइटम आईडी वाइज डाटा आ रहा है। उसके बाद हम इसके अलावा कंडीशन न्यू है या ओल्ड है या यूज है, तो उस हिसाब से चीजें इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट टाइप अगर आपने फेच करवाई है तो आप उस हिसाब से डाटा फेच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर चैनल वाइज करवाई है कि किस किस चैनल पे ऑनलाइन है ऑफलाइन है, तो आप देन उसको भी फेच करवा सकते हैं, वो वाली प्रोडक्ट्स भी। अगेन अगर आपने कस्टम लेबल्स लगाए हैं तो उनकी बेस पे भी आप डाटा फेच करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे आना है ब्रांड पे और मुझे मल्टीपल ब्रांड शो करवाने। मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी वेल नॉन ब्रांड्स हैं वो लोगों को नजर आए जो मेरी वेबसाइट पे हैं। जो मेरी वेबसाइट है ये wirehub.pk, ठीक है। अगर मैं होम पेज पे आगे थोड़ा बताऊँ आपको, तो मेरे पास ये मल्टीपल ब्रांड्स हैं जो भी मेरी वेबसाइट पे लिस्ट हुए हैं, जिनकी प्रोडक्ट्स मैं प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है। उनमें कौन कौन से ब्रांड्स हैं, उनमें एक तो एसर का ब्रांड है जैसे अभी मैंने आपको बताया, एसर के बाद मेरे पास और भी ब्रांड है जैसे असूस है, बेस यूएस है, उसके बाद एंकर है, डेल है, एचपी है। तो मैं चाहता हूँ कि वेल नाउन ब्रांड्स मैं शो करवाऊँ प्रोडक्ट्स उनकी। अब एसर एक अच्छा ब्रांड है, वेल नाउन ब्रांड है, उसकी प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट कर ली, एंकर की सेलेक्ट कर ली, एप्पल की थोड़ी है इस वजह से नहीं मैंने की, असूस की कर ली, ओकी की कर ली, ठीक है। उसके साथ मैंने बेस यूएस की कर ली, डेल की काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं ये मैंने ऐड कर ली, और मैं साथ ये चीज़ का ध्यान रख रहा हूँ कि वो वाली प्रोडक्ट्स दिखाऊं जिसकी वेरिएंट्स ज़्यादा हो, जिनका काउंट ज़्यादा हो, ठीक है। उसके बाद ये एचपी की कर ली, एचपी कॉम्पैक्ट की कर ली। तो ये ऑल जितने भी मैंने ये ब्रांड ऐड किए हैं ये वेल नॉन ब्रांड्स हैं, और इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वांटिटी ज्यादा है ताकि गूगल को परफॉर्म करने के लिए चांस मिल सके कि वो जैसे जैसे डाटा साइज बड़ा होगा, चाहे वो प्रोडक्ट्स हैं चाहे वो ऑडियंस है, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, ठीक है। तो अब क्योंकि इनमें डाटा साइज इनके काफी अच्छे हैं तो ये अच्छा परफॉर्म करेगी, तो मैं इसको सेव कर दूंगा। तो इस तरह आप सेग्रीगेशन सेगमेंट बना सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से, वो आपको लिस्टिंग ग्रुप्स के अंदर आके बनाने को मिलेंगे, ठीक है। अब मैंने एसेट और लिस्टिंग ग्रुप का आपको बता दिया, ये दो नई चीजें थी जो गूगल ने इस कैंपेन के अंदर ऐड की थी, जो पहली कैंपेन्स के अंदर नहीं थी। तो आई होप आपको इसकी काफी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि लिस्टिंग ग्रुप का क्या काम है। तो अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।